प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? अगर देखें तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करती है और मेंटेन करती है। ठीक है, क्रिएट क्यों करती है? तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक प्रोसेस के लिए क्रिएट होती है और उस प्रोसेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखती है। ठीक है, कि वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होता है एक प्रोसेस का, उसे वो रिकॉर्ड करती है, अपडेट करती है। जैसे हमने जाना कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को क्रिएट कौन करता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। किसके लिए? तो प्रोसेस के लिए। ठीक है, और जैसे हमने जाना कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। मतलब अगर प्रोसेस P1 है तो उसके लिए एक अलग PCB होगा, प्रोसेस P2 के लिए एक अलग PCB होगा। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, और ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उस प्रोसेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखती है। ठीक है, और जब भी ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा या किसी कारणवश टर्मिनेट हो जाता है, तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या होते हैं? तो उसमें होता है पॉइंटर टू द प्रोसेस, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस ID, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो पॉइंटर टू प्रोसेस क्या बोलता है? तो ये बताता है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, जो भी प्रोसेस है वो मेमोरी, एक सेकेंड, ये मेन मेमोरी हुआ। तो पॉइंटर टू प्रोसेस ये बताता है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, वो मेमोरी के किस एड्रेस में है। बस ये इतना बताता है कि किस लोकेशन में वो प्रोसेस स्टोर है, वो पॉइंटर बताता है प्रोसेस का। प्रोसेस स्टेट जैसे हमने देखा है कि ऐसे न्यू स्टेट होता है, रेडी स्टेट होता है, रनिंग स्टेट होता है, फिर वेटिंग स्टेट होता है, फिर टर्मिनेटेड स्टेट होता है। तो प्रोसेस स्टेट ये बताता है कि प्रोसेस अभी कौन से स्टेट में है। न्यू स्टेट में है, रेडी में है, या रनिंग में है, या फिर वेटिंग में है, या फिर टर्मिनेटेड में है। कौन से स्टेट में है, ये पांचों स्टेट में कौन से स्टेट में हमारा प्रोसेस है, ये बताता है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस आईडी क्या होता है? इसको सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये आईडी एक यूनिक आईडी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसी तरीके से ये यूनिक आईडी होता है हर एक प्रोसेस के लिए। जैसे P1 के लिए यूनिक आईडी प्रोसेस आईडी होगा, P2 के लिए एक यूनिक प्रोसेस आईडी होगा, सबके लिए। तो प्रोसेस आईडी एक प्रोसेस का आईडी होता है, कि और हर एक वो आईडी हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है और वो यूनिक होता है। ठीक है, फिर आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ये बताता है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, तो अभी एक इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करेगा। एक इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो जैसे हमने लास्ट में देखा था एक लेक्चर में, तो अभी उस सेम प्रोग्राम देखते हैं। एक हम C का प्रोग्राम कर रहे हैं, सॉरी, देख रहे हैं। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये देखता है, बताता है ये कि अभी जो इंस्ट्रक्शन लोड हो रहा है ना मेन मेमोरी में, ये सारा इंस्ट्रक्शन लोड कहाँ पे होगा? मेन मेमोरी पे एग्जीक्यूट करेगा ये प्रोसेस का। अब प्रोसेस होता कैसे? आप तो बोलेंगे प्रोग्राम है, तो हम जैसे हमने पहले समझा था कि जब भी कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। जब वो एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है, ये जब मेन मेमोरी में आता है तो ये क्या, ये प्रोसेस बनता है। ठीक है, अब तो ये प्रोसेस बनता है। अब इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, वहां पे उनकी वैल्यू प्रोवाइड कराया गया है, फिर उसको एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का, फिर उसको यहाँ प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या बोलता है कि ये बताता है कि अभी जो करंट इंस्ट्रक्शन जो लोड हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है वो उसको बताता है। तो मान लीजिए अभी
जो कंपाइलर है प्रोग्राम में अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा प्रोग्राम आने वाला है, ये ऑपरेशन का पार्ट आने वाला है, एडिशन का, तो ये प्रोग्राम काउंटर बताता है, ठीक है। अब रजिस्टर क्या बताता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, यानी एग्जीक्यूट होता है मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगता है मेन मेमोरी में, तो वो प्रोसेस बन जाता है। और जब प्रोसेसिंग होती है मतलब जब प्रोसेसिंग हो रही है ना, यहाँ से मतलब ये जब एक एक करके एग्जीक्यूट हो रही है, तो प्रोसेसिंग हो रही है तो इसका कुछ तो रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, कुछ रजिस्टर्स में, ठीक है। अब वो कौन सा रजिस्टर हो सकता है, जैसे सीपीयू रजिस्टर हो जाएगा, इंडेक्स रजिस्टर हो जाएगा, ये स्टैक रजिस्टर हो जाएगा, तो वो सारे मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन लोड हो रहा है ना, इंस्ट्रक्शन जो लोड हो रहे हैं, तो उसका कुछ तो रिजल्ट आ रहा होगा, तो वो बस इन्हीं रजिस्टर में जाते हैं। जैसे कौन कौन सा, तो रजिस्टर हुआ तो स्टैक रजिस्टर हुआ, ठीक है, फिर आपका इंडेक्स रजिस्टर, ठीक से, ठीक। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन लोड हो गया ना, तो उसका कुछ तो रिजल्ट आएगा, तो वो ये सब रजिस्टर में लोड होता है, ठीक है। मेमोरी लिमिट क्या होता है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है और उसका इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे इसमें आते हैं बेस एंड बाउंड रजिस्टर, ठीक है। अगर इसमें अगर देखें तो बेस एंड बाउंड रजिस्टर है, हो गया, लिमिट रजिस्टर हो गया, फिर हो गया पेज टेबल आता है इसी में, सेगमेंट टेबल, सेगमेंट टेबल हो गया, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। ये उन फाइल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है प्रोसेस के लिए। जैसे एक प्रोसेस है, ठीक है, तो वो उन फाइल्स का इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो फाइल ओपन है और जहां से एक प्रोसेस रीडिंग और राइटिंग का टास्क परफॉर्म कर रहा है। मतलब कोई एक प्रोसेस आया, ठीक है, वो एग्जीक्यूट तो हो रहा है मेन मेमोरी में, लेकिन कुछ और फाइल्स को वो ओपन कर दिया कि उससे वहां से मतलब ये मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कुछ फाइल्स ओपन करके रखा है, ठीक है, जहां से एक वहां रीडिंग का काम टास्क कर रहा है, फिर यहां से वो राइटिंग का टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। उसके बाद कुछ और आते हैं, जैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन होती है पीसीबी की, तो उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, एक सेकेंड, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें क्या होती है कि हमारे प्रोसेस को ना कितना टाइम लगेगा सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उस तरह का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में स्टोर किया जाता है। थैंक यू।